सत्ता आवाज में आपका स्वागत है सर। जय हिंद और सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी को मैं आज यहाँ जो नामांत दिन का लोकतंत्र उत्सव है उस दिन में सबको अभिवादन करता हूँ, सबके बारे में शुभकामना। सर मैं यूपी बस्ती से चलकर राजेंद्र कुमार आया हूँ यहाँ पर। आज बाबा साहब को मैंने कॉलेज के बारे में सुना था, देखा नहीं था, तो इसके बारे में इस ऐतिहासिक जगह को देखते हुए बहुत आपा खुशी हुई, जिसकी मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए बाबा साहब। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान लिखा, इस देश के लोगों के हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायी शिक्षा में सबसे प्रगत है। इसका कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके जीवन में पीपल एजुकेटिंग सोसाइटी नाम की एक संस्था निकाली जो एजुकेशन के लिए थी, और इसके वजह से आज जो मराठवाड़ा में सबसे मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, उसमें वो जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ नागसिंह बनकर के 300 एकड़ जमीन ली और वहाँ बाबा साहब ने कॉलेज चालू की, और उसके वजह से आज वहाँ से सीखे पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आज बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं। आपने सुना होगा यूजीसी का चेयरमैन भी या सुखदेव थोरात हो गए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ बीसी से इंस्टीट्यूट से हो गए हैं। और बाबा साहब का ये बड़ा उपलब्धि कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, इसके बारे में अपने संविधान में तो लिखा मगर अपने कार्यकाल में भी उन्होंने वो करके दिखाया है। तो ये आज के देश के सरकार के लिए चुनौती है कि आज हम देख रहे हैं जे एन यू और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सरकार की तरफ से जिस तरीके से स्टूडेंट के ऊपर बिहेवियर हो रहा है, तो ये बाबा साहब का बात करने वाले लोग बाबा साहब के विपरीत लोग बच्चों को गरीबों को सिखा गरीब बच्चों को सिखाने के बजाय उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य की बात है। हम चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के सही विचारों को मानने वाले लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तो देश का सही विकास और देश महासत्ता नहीं बन सकता, ऐसा मुझे लगता है। मैं वापस यहाँ जे एन यू के बारे में तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने तीन गुना फीस बढ़ाई है, हॉस्टल की और एजुकेशन की तो चल रहा है, गरीब बच्चों सीखे नहीं पढ़े नहीं। ये यहाँ देश की जो राजनीति चल रही है वो बहुत खराब है, गरीबों के बच्चों के और आगे आने वाली नस्ल के एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। मैं उसका निषेध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस देश में शिक्षा एक मुफ्त मिली जाए, KG to PG सब जो सीखना चाहते हैं उसको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय भी एक मिनट एक दो मिनट बाद ये तो थोड़ा सर थोड़ा जलाने का आना चाहिए अपने को देखिए हमारे चैनल पर अपने समता आवाज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, और यहाँ पर सभी सुपरमान समता सैनिक दल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बाबा साहब के बोलते हैं आनंद राज जी अम्बेडकर, यहाँ पर देखिए वाले हैं बाबा साहब के मूर्ति को यहाँ पर बाबा साहब
स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। ये बाबा साहब होते हैं आनंद राम अम्बेडकर की, जो यहाँ पर कैंडल और अगरबत्ती जला करके अभी इसको आंदोलन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आनंद राज अम्बेडकर जा रहे हैं। ये आनंद राव अम्बेडकर जी अभी यहाँ पर समता सैनिक दल के उनकी सलामी में लगे हुए थे। यहाँ सभी जो समता सैनिक दल के सलामी में यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा साहब आ चुके थे, माल्यार्पण कर चुके पर जो ले चुके। यहाँ पर अभी कुछ बाबा साहब के पोते से बाबा साहब के